गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्कार। हम चिबाई, मैं आज अभी थोड़ी देर पहले सबरूम से आया हूँ और रास्ते में मेरा दो तीन जगह में बात भी हुआ है और मुझे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज इतना अच्छा रैली हुआ जहाँ मैं चकमास, मॉक्स, पिपरासास, हिंदू बंगालीज, मुसलमान, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स, सब धर्म के लोग आए और हमने एक आवाज़ में अपने माइनॉरिटीज़ जो बांग्लादेश में है, हिंदू बंगाली हो, पिपरासा हो, मॉक हो, चाकमा हो, कोई भी हो, गारोज, खासीज, मणिपुरीज, उन सब के लिए एक आवाज़ में हमने सॉलिडारिटी दिखाया और हमने बांग्लादेश को भी क्लियरली बोल दिया है वी विल नॉट टॉलरेट जो आप कर रहे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आज हमारे रैली में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुसलमान भाई भी आए और उन्होंने भी एक जवाब दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उसको अपोज करता है। इसी को कहते हैं एकता, थनसा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। दूसरा बात है, मैं दो तीन चीज़ अपडेट्स करना चाह रहा था। सबसे पहले ZDO और सब ZDO के लिए हमारा कल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ, सबसे मुलाकात हुआ और हमने एक चीज़ सोचा है। अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। जो भी कंप्लेंट्स आया है कि हमारा पास मार्क, हम पास हुए थे, हमने क्वालिफाई क्यों नहीं किया, ये सब कंप्लेंट्स आ रहे हैं। लेकिन कहीं में भी रिटन कंप्लेंट नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या कहीं में इरेगुलरिटीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ लीकेज, इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट और डिसऑनेस्टी। तभी भी मुझे लगता है कि अगर हमें ट्रांसपेरेंट रहना है तो हमें सबको चांस देना चाहिए। तो मैंने सबसे मिला है, जो कैंडिडेट्स थे मैं उनसे भी मिला हूँ बहुत लोगों से, और जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए मैं उनसे भी मैंने बात किया है। तो हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड किया, ये मेरा व्यू है, कि हम लोग एक नोटिस निकालेंगे जल्दी और एक महीने का समय देंगे जिनको भी, जो भी कैंडिडेट्स है जिनको लगता है कि उन्होंने क्वालिफाई किया और उनका नाम लिस्ट में नहीं था, वो अपने क्वेश्चन क्वेश्चन OMR लेकर ADC में आइए और अपना मार्कशीट को देखिए, कंपेयर कीजिए। अगर जेन्यूनली आप क्वालिफाई किए हैं और आपका नाम नहीं है तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। मैंने यही बात सबको कहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई जेन्यून लोग मिस आउट नहीं करें। तो मैंने ये बात कहा है और मैंने कहा है कि एक नोटिस निकलना चाहिए और अगले एक महीना, मुझे लगता है कि एक महीना काफ़ी है सबके लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो एक महीने के अंदर आप ADC में जाकर, CEO के ऑफिस में जाकर अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ज़रूर रखा जाएगा और अगर जेन्यूनली आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो वो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैंने उस दिन ADC में दिल से बात किया, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट रास्ता है। जिन लोगों को मिला है वो भी ठीक है और जिन लोगों को नहीं मिला वो भी आकर चेक कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मार्कशीट में कुछ गलत चीज़ हुआ है तो उसको भी आप आकर राइटिंग में कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर कोई जेन्यून केस है तो उसमें हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। ये मेरा व्यू है और ये मैंने ADC को कह दिया। आई थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे ऑफ गोइंग अहेड। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को और एक चीज़ रिक्वेस्ट किया, बहुत लोग बोल रहे थे TPSC को दे देंगे, ADC का कंट्रोल चला जाएगा। मैंने ये नहीं, मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर कोई गलत चीज़ नहीं हुआ तो इंटरव्यू बोर्ड में मुझे लगता है कि क्वालिफाइड ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज समबडी फ्रॉम द ADC शुड बी देयर टू कंडक्ट द इंटरव्यू। बस इन अकॉर्डेंस विथ ट्रांसपेरेंसी, अगर सत्य को सामने लाना है तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां में
honest people get a chance. तो ये मैंने किया है. आई होप यू अप्रिशिएट कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं सच में दिल से मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल. मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग सफर करें. तीसरा बात है, मैं आपको कुछ चीज कहना चाहता हूं. 2019 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि लॉ एग्जाम्स में, लॉ एंट्रेंस एग्जाम में हमको बंगाली कंपलसरी किया जाएगा. उसके बाद से 2019 से लेके अभी तक एक भी स्टूडेंट जो इंडिजिनस है आज तक लॉ में पास नहीं हुआ है. 5 साल हो गया है, एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, क्योंकि 100 मार्क बंगाली लैंग्वेज में दिया जा रहा था. हम लोग बंगाली के अगेंस्ट एकदम नहीं है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कॉक बॉरोक प्रेफर करेंगे, कोई चाकमा प्रेफर करेगा, कोई रंगलोंग दारलोंग, उनको उनका लैंग्वेज अलग है, मीजो का लैंग्वेज अलग है. तो आई हैड रिक्वेस्टेड दैट टू द स्टेट गवर्नमेंट कि अपार्ट फ्रॉम बंगाली, लेट बंगाली रिमेन, बट देर शुड बी एन ऑप्शन ऑफ कॉक बॉरोक और कॉकटी प्रासा. एंड फॉर दोज हु डू नॉट ऑल्सो नो कॉक बॉरोक, who may be from another community, then for them an option of alternative English, जैसे कि मिजोरम में हो रहा है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में हो रहा है. And I'm glad to announce कि ये भी कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है. और ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अब हमारे इंडिजिनस बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन हैव एन ऑप्शन of appearing in a language that they are comfortable in, अपने ही भाषा में या कोई लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपीयर कर सकोगे. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ये फाइनल अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि UPSC में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है, कंपिटेटिव एग्जाम में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है. आज एक छोटा सा जीत है, मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ऑल. आर यू हैप्पी? ये बात मुझे विजय रामखोल ने कहा था, मिस्टर दारलोंग ने कहा था. मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को माना है. बेलाइनो हम्बाय, थैंक यू.